गृहमंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव और मायावती को विकास पर बहस करने का चैलेंज, कहा मेरे पास 5 साल के विकास की रिपोर्ट कार्ड है। अमित शाह ने कहा यूपी में लूट में 69%, डकैती में 70% और मर्डर में 32% की कमी आई है। यूपी में दंगों में 86%, दहेज हत्या के मामले में 22% और रेप में 52% की कमी। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया, मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समाज के हर वर्ग से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इस बार भाजपा 300 पार। अमित शाह की जनता से अपील, कानून व्यवस्था बनाए रखने और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए फिर से बनाए बीजेपी सरकार। सत्ता में आने के बाद साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के विकास का बीड़ा उठाया, सीएम योगी ने विकास की गति को तेज किया। अमित शाह ने कहा यूपी में विकास की नई बयार दिख रही है, सड़कें मेडिकल कॉलेज समेत विकास के कई काम हुए। कैराना लौटे परिवार से मिले गृहमंत्री अमित शाह। 2014 में परिवार ने पलायन किया था, महिलाओं ने रोकर दर्द बयां किया। बुलंदशहर में सीएम योगी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, बीजेपी को फिर से जिताने की अपील की। सीएम योगी ने बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहा 5 साल में प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा समाजवादी ने कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों को उम्मीदवार बनाया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा दंगाई अपराधी और हिस्ट्री शीटर की लिस्ट उनकी सोच दिखाती है। सीएम योगी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना मैनेजमेंट की दुनिया भर में हो रही है तारीफ, यूपी ने अपना कोरोना मैनेजमेंट मॉडल बनाया। योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा अखिलेश राज में जनता कर रही थी पलायन, अब माफिया अपराधी कर रहे हैं यूपी से पलायन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में नगीना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने भाजपा के प्रचार रथों को दिखाई हरी झंडी, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार, अटल चौक पर बीजेपी का झंडा लेकर वोट मांगा। मैनपुरी की करहल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने औपचारिक ऐलान किया। रोजगार देने पर बोले अखिलेश, 22 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरी देंगे, स्टूडेंट्स को फिर फ्री लैपटॉप मिलेंगे। यूपी में कांग्रेस को झटका, बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, उनकी पत्नी सुनीता एरन के अलावा बीजेपी की रीता सिंह एसपी में शामिल हुई। अखिलेश यादव का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर करारा अटैक, का आईपीसी में जितनी धाराएं नहीं उतनी केशव मौर्य पर केस। यूपी के जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव, सपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, कहा सरकार लापरवाही बरत रही है। उदरंकी विधानसभा से सपा विधायक हाजी रिजवान ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, टिकट कटने से नाराज थे हाजी रिजवान। यूपी चुनाव में एक साथ आए ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम, तीनों ने मिलकर बनाया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। ओबीसी ने कहा सरकार बनी तो 5 साल में ओबीसी और दलित समुदाय से बारी बारी से 2 सीएम होंगे, एक मुस्लिम समेत 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा अगर मोर्चे में कोई और दल शामिल होना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं। यूपी के लिए बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी को नया नारा दिया, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। प्रियंका गांधी पर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला, कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खोखला, नारा देने वाले पहले खुद तो लड़कर दिखाएं। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। अदिति सिंह ने कहा यूपी में चुनाव के वक्त कांग्रेस नेता आते हैं, यूपी जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। यूपी चुनाव में अकेले लड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने जारी की 26 उम्मीदवारों की लिस्ट। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता के फैसले पर सवाल उठाया, आरसीपी सिंह कहते थे यूपी में भी बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी। ललन सिंह ने कहा अगर हमारी पार्टी पहले से तैयारी में जुटी होती तो ज्यादा सीटों पर और मजबूती के साथ लड़ते। यूपी में चुनाव से पहले कई जिलों के डीएम और एसपी बदले गए, फिरोजाबाद के नए डीएम होंगे सूर्यपाल गंगवार, नेहा शर्मा होंगी कानपुर की डीएम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा 5 साल में डबल इंजन शुरू ही नहीं हो पाया। हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा, कहा उत्तराखंड में किसी तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं है। हरक सिंह रावत पर बोले हरीश रावत पार्टी में अलग अलग फैक्टर देखकर ही फैसले होते हैं। उत्तराखंड में सीएम फेस पर हरीश का इशारा, कहा मेरा काम बहुमत लेकर देने का है, फैसला पार्टी लेगी। पंजाब कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बनाई सब कमेटी, इन सीटों पर चन्नी और सिद्धू के बीच है मतभेद, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दी, कहा मेरे खिलाफ धुरी से आकर लड़े। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा पंजाब की जनता को केजरीवाल बेवकूफ बनाने में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के बयान पर सियासी बवाल, खुद को बताया कौम का सिपाही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया मोहम्मद मुस्तफा का वीडियो, मुस्तफा कह रहे हैं जलसे में रुकावट की गई तो घर में घुसकर मारेंगे। अपनी पत्नी रजिया सुल्ताना के लिए मलेर कोटला में प्रचार कर रहे थे मोहम्मद मुस्तफा, पास में ही हो रहा था आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम।
पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद मुस्तफा के बयान से किनारा किया, कहा सभी की एक ही जात। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पंजाब का बच्चा हिंदू या मुस्लिम नहीं, सभी गुरुओं की शिक्षा पर जीते हैं। पंजाब के सीएम चन्नी पर अकाली नेता विक्रम मजीठिया का हल्ला बोल, कहा चन्नी हन्नी और मन्नी का गठजोड़। मजीठिया का आरोप 3C कांग्रेस चन्नी और करप्शन पर टिकी सरकार, कुछ तस्वीरें दिखाकर हमला बोला। पणजी से टिकट कटने के बाद पहली बार बोले उत्पल पारेकर, पार्टी अगर ईमानदार और बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को उम्मीदवार बनाती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आम आदमी पार्टी गोवा को लेकर गंभीर, छठी लिस्ट भी जारी की, 3 नए नामों का ऐलान हुआ। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, वेलिम से बेंजामिन सिल्वा को उम्मीदवार बनाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा पणजी में बेईमान वर्सेस उत्पल पारेकर की होगी लड़ाई। गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सरेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी से टिकट कटने के बाद फैसला। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, पूर्व सीएम ओघराम इबोबी थाउबुल से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक लगाई, पहले चरण के उम्मीदवार को मीटिंग के लिए 28 जनवरी से छूट मिली, दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से दी गई छूट। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 लोग हो सकते हैं शामिल। चुनाव आयोग के नए नियम का ओवैसी ने स्वागत किया, कहा मैंने चुनाव आयोग से रिविजन की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री ने कहा देश के 142 जिले 1-2 पैरामीटर्स पर पीछे, कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया, डीजीजीआई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अच्छी पहल बताया, कहा जिलों को अच्छी चीजें एक दूसरे से सीखने को भी मिलेंगी। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर को केंद्रीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, कई विकास के काम किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा राज्य का दर्जा। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा स्थिति सामान्य होते ही जल्द चुनाव भी होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर का विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता, कई नियम भी बनाए गए। राहुल गांधी ने यूपीएससी के छात्रों का मुद्दा उठाया, कहा भारत सरकार को सभी से बात कर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेना चाहिए। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, कई विस्फोटक सामान भी बरामद हुए। पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बुलीबाय ऐप मामले में गिरफ्तार विशाल झा को झटका लगा, सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। मुखबदर बालिका से रेप को लेकर अलवर में दुकानदारों का प्रदर्शन, घटनास्थल की सफाई करवाने में लोगों में गुस्सा। घटना वाली जगह की सफाई पर बोले अलवर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कमलेश मीना, हर हफ्ते या 15 दिन में करते हैं सफाई। डायरेक्टर कमलेश मीना ने कहा पुलिस ने हमें इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि घटना वाली जगह की सफाई नहीं करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा की मांग, सबूत से छेड़छाड़ करे राजस्थान सरकार पर केस दर्ज हो। अलवर रेप केस पर बोले गहलोत, सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। प्रताप सिंह ने कहा आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा, कड़ी सजा भी दी जाएगी। मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी आग, मरने वालों की संख्या 6। कमला इमारत की 18वीं मंजिल पर आग ने कहर ढाया, 19वीं मंजिल पर भी आग फैली। अग्निकांड के समय सो रहे थे ज्यादातर लोग। आग लगने के बाद ताड़देव की कमला इमारत पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। कमला इमारत में आगजनी में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए भी मिलेंगे। मुंबई के फायर ब्रिगेड अधिकारी के मुताबिक इमारत में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं कर रही थी काम, इसलिए काबू पाने में देरी हुई। नागपुर में पति ने साइकिल से जा रही पत्नी पर एसिड अटैक किया, सीसीटीवी में वारदात कैद, पति गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, 97 लाख रुपए की कीमत के ड्रग्स भी जब्त हुए। देश में लगातार तीसरे दिन आए 3 लाख से ज्यादा केसेस, एक दिन में 3,37,000 संक्रमित, 488 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,393 नए केसेस, 48 की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 45,136 लोग संक्रमित हुए, 132 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 42,470 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 35,140 लोग रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना के एक्टिव केसेस में 30,744 का इजाफा, 24 घंटे में 33 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,926 नए केसेस, 24 घंटे में 6 ने जान गंवाई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 16,740 लोग संक्रमित हुए, 15,757 रिकवर हुए। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 23,150 नए केसेस। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर 58,593 हुए, 24 घंटे में 11,486 नए केसेस मिले। यूपी में 30 जनवरी तक बंद किए गए सभी शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी। सीएम योगी ने अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया, कहा कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक नहीं है लेकिन संक्रमण ज्यादा है। पुणे में अगले एक हफ्ते और नहीं खुलेंगे स्कूल, डिप्टी सीएम ने कोरोना का हवाला दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचेस अहमदाबाद में होंगे, कोलकाता में होंगे तीनों T20 मुकाबले। भारत में ही होगा आईपीएल का 15th सीजन, मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होगी, मई के अंत तक मुकाबले चलेंगे। आईपीएल के 15 सीजन में 2 नई टीम्स लखनऊ और अहमदाबाद भी शामिल होंगी। 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन होगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कोरोना की वजह से हम प्लान बी पर कर रहे हैं काम, ऑक्शन से पहले वेन्यूज तय हो जाएंगे।